हाँ जी प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है तुहाड़ा 10वीं क्लास दे पाठ नंबर 6 दा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपना चल रहा हैगा जिन्हों असी परिवहन सिस्टम बोलते हैं। पिछले लैक्चर दे विच असी पढ़िया भी साडा मनुखी दिल किवें काम करता है, किन्ने बार धड़कता है, तो होर परिवहन सिस्टम यानी कि जिहड़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वह किवें काम करता है, इस बारे असी पढ़िया सीगा। हुण अज दे लैक्चर दे विच असी एक होर उहदे नाल ही संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़न जा रहे हैं जिन्हों असी कहने लहू वहनियाँ। हुण देखो दिल ने की करता, लहू नूं गेड़ता। हुण लहू दिल ने तो गेड़ता, हुण लहू नूं लहू ने शरीर के वख वख भागां तक पहुँचना। उसनूं शरीर के वख वख भागां तक लिजाण लई कुछ पाइपां की जरूरत हुंदी है, कुछ नालियां की जरूरत हुंदी है जिन्हों असी लहू वहनियाँ या ब्लड वैसल्स आपां कहने आ। तो यह तीन प्रकार दियां हुंदियां ने, मेनली धमनियां, शिरावां ते केशकावां। लहू वहनियां किन्ने प्रकार दियां हुंदियां ने? तीन प्रकार दियां, धमनियां, शिरावां ते केशकावां, मीनस आर्टरीज, वेन्स ते कैपलरीज। देखो धमनियां बारे गल करदे आं, इन्हां दे विच ना धमनियां ते शिरावां दे विच अंतर बहुत इंपोर्टेंट है। इहनूं ध्यान नाल सुनना, ते इहदे विच सारा कुछ लिखिया होया ते आपां पढ़दे आं ते नाल आपां तुहानूं समझाने आं। देखो धमनियां जिहड़ियां ने वी उह लहू नूं दिल तों शरीर दे वख वख भागां तक लै के जांदियां ने, यानी कि शुद्ध खून नूं दिल तों शरीर दे वख वख भागां तक लिजाण दा काम धमनियां करदियां ने। ते इन्हां विच लहू दा दबाव ज़्यादा हुंदा है, ज़्यादा ब्लड प्रैशर जिहड़ा मतलब कि प्रैशर जिहड़ा है ब्लड दा वो ज़्यादा हुंदा है। इन्हां दियां दीवारां मोटियां अते लचकीलियां हुंदियां ने। देखो क्योंकि इन्हां दे विच जिहड़ा लहू है पूरे दबाव नाल वगदा है, तो इस करके इन्हां दी दीवारां मोटियां भी होनी चाहीदियां ने ताकि ये फट ना जाण, ते लचकीलियां भी होनी चाहीदियां ने। ठीक है जी। ते धमनियां शरीर दे विच डूंघाई ते स्थित हुंदियां ने, धमनियां नूं असीं देख नहीं सकदे। ठीक है, यह लाल रंग दियां हुंदियां हन ते इन्हां विच कोई वाल्व नहीं हुंदा। हुण वाल्व नहीं हुंदा यानी कि वाल्व जिहड़ा है वह खून नूं वापस नहीं आउण दिंदा, एक मतलब कि बैकवर्ड फ्लो नूं खून दे नूं रोकदा है। ठीक है, इन्हां विच वाल्व नहीं हुंदा ते इस करके जदों कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यह जिहड़ी धमनियां ने यह बिल्कुल ब्लड तो खाली हो जाती, इन्हां विच ब्लड नहीं रहिंदा। तो इस तो बाद आपां गल करदे हां शिरावां दी। जिहड़ी शिरावां ने यह शरीर के वख वख भागों तो खून नूं इकट्ठा करके दिल तक लियांदियां ने। ठीक है, जिहड़ी धमनियां सीगा देखो भी दिल तो वख वख भागों तक लैके जांदियां सीगा, शिरावां वख वख भागों तो लहू नूं दिल तक लैके आउंदियां ने। तो इहदे विच लहू दबाव घट हुंदा है, तो उहनां विच लहू दबाव वध हुंदा है। पहलां गल करी सीगी इहनां दीआं दीवारां धमनियां दे मुकाबले पतलियां हुंदियां ने। देखो उहनां दीआं दीवारां मोटियां सीगियां ते इहनां दीआं दीवारां पतलियां हुंदियां ने। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਗ ਸਕਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੂਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਧਮਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਆ ਰਹੀ ਕੇਸ਼ਕਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੇਸ਼ਕਾਵਾਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕੇਸ਼ਕਾਵਾਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੀਨ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਮੋਟੀ ਪਾਈਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਧਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਣੀ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੇਖੋ ਇਹ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਧਮਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਸ਼ਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ਼ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਧਮਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਕਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕੇਸ਼ਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਵਹਿਣੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਕਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
लहू अते आले दुआले दे सैलां विचकार पदार्थां दी अदला बदली केशकावां दी पतली दीवार राही ही हुंदी है। फिर केशकावां आपस विच मिलके शिरावां बनांदियां हन जो लहू नूं उह अंगां तक पहुँचांदियां हन। ये अगले स्लाइड दे विच चलदे हां आपां। शरीर विच प्लेटलैट्स दा काम, ये साढ़े शरीर के प्लेटलैट्स की काम करते हैं। देखो ब्लड दे विच तुसीं आपां ने पढ़िया सीगा भी प्लाज्मा हुंदा है, प्लाज्मा तो बाद अपना लाल लहू रक्ताणु ते चिट्टे लहू रक्ताणु ते प्लेटलैट्स हुंदे ने। हुण प्लेटलैट्स की करदियां ने, देखो प्लेटलैट्स खून विच मौजूद प्लेटलैट्स सट वाली थां ते आ के लहू दे वगन नूं रोकदियां ने। यानी कि जदों किते अंदरले पासे किते डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए, तां उस समय उत्थे खून दे राही प्लेटलैट्स पहुँच के फटाफट पहुँच के उसनूं खून नूं वगन तो रोकदियां ने। अपने बाहरले पासे भी सट लग जाए तां उत्थे भी जाके ये उस जख्म नूं फटाफट भर के मतलब कि लहू नूं वगन तो रोकदियां ने। यह प्लेटलैट्स सारे शरीर विच घूमदे रहिंदे ने ते सट वाली थां उत्ते लहू नूं जमा के लहू दा रिसना बंद कर दिंदे ने, घूमदे रहिंदे ने ते यह सट वाली थां ते जाके उसनूं लहू नूं वगन तो रोकदियां ने। देखो जे किसी दा मेजर ऑपरेशन होना होए ना, मेजर ऑपरेशन जिवें हार्ट का कोई ऑपरेशन होना है, तो उन्होंने भी पहला सब तो पहला प्लेटलैट्स चढ़ाइया जाए ने, ताकि अंदर इंटरनल जी इंजरीज होंगे ने उन्होंने मतलब कि अंदरले पास ज़्यादा ब्लड का रिसाव ना हो सके, प्लेटलैट्स खून वगन तो रोक दिया ने। तो ये एक छोटा जा होर टॉपिक है लसिका, बहुत ज़्यादा नहीं है। लसिका ये भी खून वर्गा ही एक द्रव साढ़े शरीर में घूमता है, ठीक है। तो इसको अपन लसिका कहने हैं। तो यह यदा कोई रंग नहीं होंगे, जिमें लहू तो लाल रंग का होंगे बई, तो जरा यह लसिका है या लिम्फ हैगा यदा कोई रंग नहीं होंगे, रंगहीन है। यह दोनों में मुख्य तौर पर अंसर अंतर जोड़ा है वो RBCs का होंगे, यानी कि लाल लहू रक्ताणुआ का होंगे है। लिम्फ के लसिका के लाल लहू रक्ताणु नहीं होंगे, ठीक है। यदा प्लाज्मा भी लहू वर्गा ही होंगे पर रंगहीन होंगे है, क्योंकि ये लाल लहू रक्ताणु नहीं होंगे। इस विच प्रोटीन की मात्रा भी काफ़ी घट होंदी है, ठीक है जी। तो यह सीगा तुहाडा प्लेटलेट्स का काम, तो थोड़ा जिहा आपां ने उस बारे पढ़िया। तो हुण एक लास्ट स्लाइड लास्ट टॉपिक जिहड़ा हैगा भी इस चैप्टर का, वो हैगा पौद्यां विच परिवहन, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल दे विच नहीं जावांगे आपां, ठीक है। जिन्नी की जरूरत है उन्ना की पढ़ांगे। पौदे पानी अते खनिज पदार्थ जिवें कि नाइट्रोजन फॉसफोरस जमीन विचों जड़ां दी मदद नाल चूसते हैं। देखो सबनों पता है भी पौधे पानी तो जिहड़े खनिज पदार्थ ने जमीन के जड़ां की मदद नाल चूसते हैं, तो फिर पर इन्हां दी जरूरत हरेक भाग नूं हुंदी है, ठीक है। तो इन्हां नूं उत्थों जड़ां तो पत्तियां तक भी पहुँचाण का काम करना हुंदा है, तो इन्हूं जमीन तो जड़ां तो पत्तियां तक पहुँचाण का काम पौद्यां विच परिवहन सिस्टम का जाइलम हुंदा है। एक जाइलम जिहड़ा है भी इन्हों ही पहुँचाता है, ठीक है। इसलिए पौद्यां विच भी एक अजिहा सिस्टम होना चाहिए है जो इन्हां नूं जड़ां तो पौधे के बाकी भागों तक पहुँचा सके। इसी तरह पत्ते भोजन तैयार करते हैं, भोजन की भी जरूरत हरेक भाग में होंगी है, उसनों भी जड़ां तक भी पहुँचाना है। तो इस करके पौद्यां दे विच भी एक परिवहन सिस्टम की जरूरत होंगी है। तो यह जो परिवहन सिस्टम है मुख्य तौर पर जाइलम ते फिलोम का बनया हुंदा है। जिहड़ा जाइलम की करता भी जाइलम जड़ां तो चूसे हुए पानी अते खनिजां नूं पौधे दे वख-वख भागां तक पहुँचाता है, अते जिहड़ा फिलोइम हैगा यह पौद्यां मतलब पत्तियां द्वारा बनाए भोजन नूं पौधे दे वख-वख भागां तक पहुँचाउण दा जिहड़ा काम है यह फिलोइम करता हैगा, ठीक है। इहदे नाल एक छोटा जिहा टॉपिक होर मैं लिता होया है वाष्प उत्सर्जन, यानी कि इन्हों ट्रांसपायरेशन इंग्लिश दे विच बोलते हैं। ये बारे भी अपन थोड़ा जहा पता होना चाहिए है। देखो सबनों पता भी पौद्या के पत्तियां के छोटे छोटे छेक होंगे ने जिन्हों असी स्टोमैटा कह दें, ठीक है जी। ये जिहड़े स्टोमैटा ने ते यह मुख्य तौर पर गैसा की अदला बदली करते हैं, तो नाल ही नाल इन्हां दे विचों हल्का हल्का पानी बाहर निकलता रहिंदा है, जिहड़ा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान बनता है या पौधा चूसदा है, वह पानी हल्का हल्का इन्हां दे विचों बाहर रिसदा रहिंदा है, जिन्हों असी वाष्प उत्सर्जन कहिंदे आ, ठीक है जी। ये जिहड़ा वाष्प उत्सर्जन है यह ही पौधे विच पानी लई खिच पैदा करता है, यानी कि इस करके ये खिच जी पैदा कर दिंदा है जिस करके पौधा जड़ां राही पानी नूं चूसदा है, ठीक है। इसलिए वाष्प उत्सर्जन पानी नूं जज्ब होण अते जड़ तों पत्तियां तक पानी अते उस विच घुले खनिजी लूणां नूं उपर तक दी गति विच सहायक हुंदा हैगा। वाष्प उत्सर्जन बहुत इंपोर्टेंट है। इसी करके ही देखो तुसीं देखिया होना, एक मैं तुहानूं होर नोटिस कराना गल, गर्मियों के एक तो दीवार की छां च खड़े हो जाओ तो एक दरखत के हेठ बह जाओ,
या बह जाओ या खड़े हो जाओ जो भी है, तो तुहानू दरख्त की छां ज़्यादा ठंडी लगती है दीवार की छां नालों। उसका रीज़न उसका एक कारण इको एक है वाष्प उत्सर्जन, क्योंकि पत्तियां पौधे के पत्तियां लगातार पानी वाष्पा के रूप में बाहर निकलता है, जिस करके उसके आले दुआले की हवा थोड़ी जी ठंडी हो जाती है। ठीक है जी, उम्मीद है तुहानू यह परिवहन सिस्टम चंगी तरह समझ आ गया होएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे इसनों एक बार जरूर अपनी किताब के भी पढ़ लैन, ताकि तुहाडा जरा यह टॉपिक अच्छी तरह तैयार हो जाए। एग्जामीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैगा। तो अगले टॉपिक लैके बहुत जल्द तुहाडे सामने पेश आवांगे। तो इस दे नाल ही अज तुहाडा परिवहन सिस्टम भी खत्म हो गया। एक तुहाडा जरा एक सिस्टम रह गया लास्ट, बस एक जिन्हों बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो वीडियो लैके जल्द ही तुहाडे सामने लैके पेश आवांगे। उदों तक सबका बहुत बहुत धन्यवाद।